हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 8। ये हमारा हिंदी ग्रामर का वर्क है, यानी हिंदी व्याकरण का वर्क है। ठीक है, हमारा विषय क्या है? हिंदी व्याकरण, यानी आज जो हम वर्क करने वाले हैं वो हिंदी व्याकरण का। हमारा पार्ट है 8, जिसका नाम है विशेषण। और विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। ठीक है, ये टॉपिक आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। आई होप सभी को वहां भी इंग्लिश में भी ये अच्छे से क्लियर है। एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में भी मैम ने आपको पढ़ाया। आज फिर से हम चलते हैं उस टॉपिक की और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण का मतलब होता है बेटा कि कोई भी विशेष गुण या किसी भी चीज की कोई विशेषता। जैसे मैंने लाल चूड़ी पहनी है, तो मेरी चूड़ी की जो विशेषता है वो क्या है कि चूड़ी दिखने में कैसी है, कैसे रंग की है। मैंने बताया ना, मेरी चूड़ी लाल है, तो लाल जो है बच्चों वो है विशेषण। मेरा मार्कर सफेद है। ठीक है, अब मार्कर की विशेषता क्या है? सफेद। ठीक है, बोर्ड सफेद है। अब बोर्ड है, बोर्ड हमें पता है, बोर्ड क्या है? ये चीज सारी क्या है? संज्ञा है। मैंने बोला चूड़ी, चूड़ी क्या है? संज्ञा है। मार्कर, मार्कर क्या है? संज्ञा है। मैंने कहा बोर्ड, बोर्ड क्या है? संज्ञा है। अब मैंने बोला बोर्ड सफेद है, बोर्ड क्या है? संज्ञा है। और सफेद क्या है बच्चों? कि संज्ञा की विशेषता है। क्या है? बोर्ड कैसा है? सफेद है ना, तो मैं सफेद क्या होगा बच्चों? ये होगा हमारा विशेषण। जैसे मैंने नीले रंग के कपड़े पहने। ठीक है, मेरे कपड़ों की विशेषता क्या है? मेरे कपड़ों का गुण क्या है कि वो नीले रंग के हैं। ठीक है, और कपड़े क्या है? संज्ञा है। और नीले, नीले क्या है बच्चों? वेरी गुड, राइट आंसर। नीले हमारे हैं बच्चों एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब बात करते हैं कि विशेषण कहते किसे, किसे कहते हैं। आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है ना बच्चों, किसे कहते हैं? किसी भी चीज के बारे में उसकी विशेषता बताना, और किसी भी चीज की विशेषता बताना ये किसका काम होता है? ये होता है हमारा विशेषण का काम, यानी एडजेक्टिव का काम। इसकी डेफिनेशन करवाने से पहले, डेफिनेशन आप खुद बताओगे, उससे पहले हम एक बार चैप्टर को रीड करते हैं। और खुद कैसे बताओगे बेटा? जब तक हम चैप्टर को रीड नहीं करते, मैंने आपको पहले भी कहा है और आपकी क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है उसमें भी मैं आपको कहती हूँ बच्चों, जब तक आप चैप्टर को रीड नहीं करोगे ना आप उसकी एक्सरसाइज कर पाओगे, ना आप उसके क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा चैप्टर। चैप्टर को रीड, चाहे सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो बच्चों, चैप्टर को रीड करना जरूरी है। जब तक हम चैप्टर को रीड नहीं करेंगे ना हम उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। और यकीन मानिए बच्चों, अगर आपने पहले चैप्टर को रीड किया है तो चैप्टर को रीड करने के बाद ना केवल आप उसके क्वेश्चन आंसर, ना केवल उसकी एक्सरसाइज, बल्कि इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर जो मैम ने आपको नहीं करवाए उनके आंसर भी आपके टिप्स पे होते हैं, और उनके आंसर भी आप मैम को इजीली दे सकते हैं। इसके डेफिनेशन के बारे में बात करने से पहले हम अपनी बुक के थ्रू एक बार चैप्टर को रीड करते हैं। देखिए सभी बच्चे अपने बुक के साथ रेडी हो जाइए। ये है, देखिए बच्चों, मेरे हाथ में आपके थर्ड क्लास की बुक। ये है हमारा चैप्टर 8, जिसका नाम है विशेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। सभी बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 43 ओपन करें। ओके बच्चों, देखिए एक बड़ा घड़ा था। आप घड़ा क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है ना, संज्ञा है, सबको पता है। और घड़ा क्या था? बड़ा, यानी घड़े की विशेषता क्या है? बड़ा। ठीक है, बड़ा क्या है बच्चों हमारा? अब बड़ा ही तो हमारा विशेषण है ना। एक बड़ा घड़ा था, उसमें पानी था। एक काला कौवा पानी पीना चाहता था, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। चतुर कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पी लिया। इन वाक्यों में घड़े का आकार कैसा था? अब घड़े का आकार कैसा था बच्चों? घड़ा आकार में कैसा था? बड़ा। ठीक है, घड़ा आकार में कैसा था? बड़ा। कुएं का रंग कैसा था? कैसे रंग का था कुआ? कुएं का रंग कैसा था? काला। ठीक है, कुएं का स्वभाव कैसा था, यानी उसका स्वभाव जो उसका नेचर था वो कैसा था? चतुर था ना, अभी अभी हमने रीड किया। ठीक है,
तुमने देखा कि बड़ा, काला और चतुर शब्द किसी न किसी प्रकार की विशेषता बता रहे हैं। और हमने देखा बच्चों, ये जो शब्द यहाँ लिखे हैं मैंने, ये किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं, यानी किसी न किसी के बारे में कोई विशेष गुण बता रहे हैं, कोई विशेष बात बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आ गया ना समझ में? इसीलिए मैंने कहा था बच्चों, पहले मैं आपको बुक के थ्रू रीड कराती हूँ, उसके बाद में आपको, अब आपको पता है कि हमारी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली अपने आप बनकर आ गई। कैसे? जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें ही तो हम विशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेषता किसकी बताते हैं, वो शब्द या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको बड़ा घड़ा, यही बोला था ना बच्चों। घड़ा क्या है हमारा? ये क्या है बच्चों? हमारा संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा की विशेषता यहां बताई गई है। घड़ा क्या है? बड़ा है। और बड़ा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा विशेषण हो जाएगा। ओके, सभी को समझ आ गया ना? ओके, देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी वो शब्द या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। यहाँ पे संज्ञा भी हो सकता है और ये शब्द हमारा सर्वनाम भी हो सकता है। जैसे यहाँ क्या है बच्चों? हमारा संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता किसने बताई? विशेषण ने, और विशेषण इसमें क्या हुआ? बड़ा। ठीक है, विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। कुछ विशेषण शब्द रंगों के बारे में बताते हैं, जैसे हरी मटर। अब मटर कैसी है? हरी है, तो हरी क्या है बच्चों? हरी हमारा विशेषण शब्द है। काली गाय, अब गाय का रंग कैसा है? काला। काली गाय लिखा हुआ ना, काली क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा विशेषण। और गाय क्या है हमारा? संज्ञा। नीला आकाश, अब नीला क्या है? विशेषण, और आकाश क्या है? संज्ञा। लाल गुलाब, अब लाल क्या है हमारा? विशेषण, और गुलाब क्या है हमारा? संज्ञा। नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, कुछ विशेषण शब्द स्वभाव के बारे में बताते हैं, स्वभाव यानी नेचर के बारे में बताते हैं, उसकी जो उसका स्वभाव के बारे में बताते हैं, जैसे कठोर लकड़ी। अब लकड़ी का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो कैसा है? वो कठोर है, तो कठोर भी क्या है बच्चों? हमारा विशेषण है। ओके, चतुर लोमड़ी, अब लोमड़ी कैसी है? चतुर है। ठीक है, आप चतुर क्या है बच्चों? हमारा विशेषण है, और लोमड़ी क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है मुलायम, मो मुलायम मतलब सॉफ्ट। ठीक है, मुलायम क्या है बच्चों? हमारा विशेषण है, और मोम क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। बुरा आदमी, अब आदमी की विशेषता यहाँ बताई गई कि आदमी का जो नेचर है, जो स्वभाव, वो कैसा है? बुरा। अब बुरा क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा विशेषण, और आदमी क्या होगा? हमारा संज्ञा शब्द। ठीक है, कुछ विशेषण शब्द आकार के बारे में बताते हैं, और कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो हमें आकार के बारे में बताते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट नंबर पे जो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो हमें रंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो हमें रंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, सेकेंड पे हमने पढ़ा कि कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो स्वभाव के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसके बारे में बताते हैं? स्वभाव के बारे में बताते हैं। ठीक है, स्वभाव इट मीन्स नेचर। और कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो आकार के बारे में बताते हैं। ठीक है, कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो आकार, आकार मतलब शेप एंड साइज। ठीक है, यानी साइज के बारे में बताते हैं, आकार के बारे में बताते हैं। जैसे खंभा, और खंभा से पहले जो लगा हुआ है बच्चों, वो है हमारा विशेषण शब्द, और वो क्या है? लंबा। ठीक है, अब लंबा खंबा ये लिखा हुआ है ना, खंबा हमारा क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है, और लंबा क्या है? हमारा आकार बता रहा है ना, आकार भी हमारी किसकी विशेषता होती है? विशेषण ही तो बताते हैं ना, विशेषता किसकी है? खंबे की। खंबे की विशेषता क्या है? कि खंबा लंबा है, लंबा क्या हुआ? हमारा विशेषण शब्द। मोटा बालक, अब बालक के साइज के बारे में बताया गया है कि बालक कैसा है, बालक क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है, और मोटा क्या है बच्चों? हमारा विशेषण है। नेक्स्ट है छोटी मेज, अब मेज के साइज के बारे में बताया गया है, मेज क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है, और छोटी विशेषण शब्द है। बड़ा पेड़, पेड़ क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है, और पेड़ का साइज क्या बताया हुआ है? बड़ा। बड़ा क्या है बच्चों? हमारा विशेषण है, और पेड़ क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। आप
विशेषण शब्द हमें किसके बारे में बताते हैं, रंग के बारे में बताते हैं, स्वभाव के बारे में बताते हैं, आकार के बारे में बताते हैं। एंड नेक्स्ट है बच्चों, कुछ विशेषण शब्द स्वाद के बारे में बताते हैं, यानी टेस्ट के बारे में बताते हैं। स्वभाव तक हमारा, आकार तक हमारा यहाँ हो गया, उसके बाद है हमारा स्वाद। स्वाद इट मीन्स टेस्ट। टेस्ट के बारे में कई विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं, जैसे नमकीन बिस्किट। अब यहाँ नमकीन जो है वो हमारा क्या है, विशेषण शब्द है। मीठा शरबत, और शरबत की विशेषता क्या है कि वो मीठा है, तो मीठा हमारा जो है वो हमारा विशेषण शब्द है। खट्टी इमली, इमली की जो विशेषता है वो क्या है बच्चों की, इमली खट्टी है, खट्टी भी क्या हो जाएगा हमारा विशेषण हो जाएगा। चटपटी चाट, क्या हुआ मुंह में पानी आ गया, नहीं अभी हमें पढ़ना है, ठीक है, चटपटी चाट। अब चाट क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है, और चटपटी जो आगे जो शब्द आया है संज्ञा से पहले वो हमारा क्या है, विशेषण है। अब आपने देखा होगा बच्चों जितने भी हमारे विशेषण हैं वो हमारे अब तक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं बुक के थ्रू वो हमारे संज्ञा से पहले आते हैं, ठीक है, यानी संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, कुछ विशेषण शब्द मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं, और कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो मात्रा या परिमाण। एक होता है बेटा परिणाम, परिणाम का मतलब होता है, अर्थ होता है रिजल्ट, ठीक है, और ये है परिमाण, परिमाण का मतलब होता है माप तोल वाली चीजें, ठीक है। अब कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो हमें मात्रा यानी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं और परिमाण के बारे में बताते हैं, यानी माप तोल वाली चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे एक लीटर दूध। अब एक लीटर जो है बच्चों वो भी हमारा क्या है, विशेषण है। एक पाव चीनी, अब चीनी की जो मात्रा है वो कितनी है बच्चों, एक पाव है, यानी उसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, और ऐसी चीजें जिन्हें हम माप सकते हैं तोल सकते हैं तो उनके आगे लगेगा, जैसे मैंने यहां लिखा चीनी, ठीक है, मैंने यहां भी चीनी लिखा है, सॉरी मैंने यहां लिखा बच्चों चीनी, और चीनी से पहले मैंने क्या लिख दिया, एक पाव, ठीक है। अब जो एक पाव जो है ये बच्चों, ये हमारी चीनी की मात्रा बता रहे हैं कि हमारी चीनी की मात्रा कितनी है, कितने वेट में हमारे पास चीनी है, चीनी की मात्रा क्या है, एक पाव। एक पाव क्या है बच्चों, ये भी हमारा क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है, और चीनी हमारा क्या है, चीनी हमारा संज्ञा शब्द है। उसके बाद देख लीजिए बेटा थोड़ा चावल, आप देखो बच्चों यहां लिखा हुआ है मैंने चावल और यहां लिखा मैंने थोड़ा, ठीक है। अब थोड़ा भी क्या है बच्चों, थोड़ा भी हमारा विशेषण है, कैसे, एक सेकेंड अभी बता देती हूं आपको, क्योंकि कुछ विशेषण शब्द हमें मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं। मात्रा यानी परफेक्ट उनकी क्वांटिटी बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में वो चीज है, जैसे चीनी, चीनी क्या है, यहाँ एक पाव है, तो उसका वेट हमें यहाँ बताया गया है कि कितनी मात्रा में चीनी है, एक पाव है, तो एक पाव जो है वो हमारा विशेषण होगा। अब यहाँ ना एक पाव बताया गया है, ना 500 ग्राम बताया गया है, कुछ नहीं बताया गया, ना 1 kg बताया गया, कुछ नहीं बताया गया, यहाँ बताया गया चावल कितना है, थोड़ा चावल। अब थोड़ा क्या है बच्चों, परिमाण, यानी उस थोड़े को हम वेट तो कर सकते हैं ना, तो जिन चीजों का हम वेट कर सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, वो हमारे, वो भी विशेषण हमारे इसमें काउंट होते हैं, वो भी हमारे विशेषण शब्द होते हैं, जैसे थोड़ा। अब यहाँ लिखा हुआ है बच्चों थोड़ा, तो थोड़ा भी हमारा क्या है, थोड़ा भी हमारा विशेषण शब्द है। कुछ दाने, अब मैंने लिखा कि कुछ दाने, ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ कुछ दाने। अब दाने मुझे पता है बच्चों, चीनी क्या था हमारा, संज्ञा शब्द था, ठीक है, दाने क्या है, दाने भी हमारा संज्ञा शब्द है, और कुछ, और कुछ भी हमारा क्या है बच्चों, विशेषण शब्द है। कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं हमारे जो मात्रा या परिमाण का हमें के बारे में बताते हैं, मात्रा या परिमाण का हमें बोध कराते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कुछ विशेषण शब्द संख्या के बारे में बताते हैं, यानी ये जो विशेषण शब्द मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं वो विशेषण शब्द हमें किस किस के बारे में बताते हैं, कि कुछ एक विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो हमें रंग के बारे में बताते हैं, रंग इट मीन्स लाल, हरा, काला, पीला, नीला, जो भी है।
स्वभाव यानी चतुर है, मूर्ख है, ठीक है, ईमानदार है, ये जो होते हैं ये हमारे स्वभाव में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है आकार, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, ये सब क्या आते हैं बच्चों, आकार। स्वाद, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है, ये हमारा आता है स्वाद में। मात्रा या परिमाण, मात्रा इट मीन्स एक किलो, आधा किलो, एक पाव, ये आते हैं हमारे मात्रा में। और परिमाण, परिमाण इट मीन्स कुछ, थोड़ा, ये जो शब्द होते हैं ये भी हमारे विशेषण होते हैं, ये हमारे मात्रा या परिमाण के बारे में हमें बताते हैं कि नॉलेज कराते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि कुछ एक विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो हमें संख्या का बोध कराते हैं। संख्या इट मीन्स गिनती, यानी नंबर्स के बारे में नॉलेज देते हैं, नंबर के बारे में बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, संख्या के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा लड़का, दो गेंदे, तीन तोते, पहली सीढ़ी, और ये जितने भी शब्द हैं बच्चों ये हमें किसकी नॉलेज करा रहे हैं, हमें यहाँ संख्या की नॉलेज कराने। हमारा चैप्टर यहीं तक कंप्लीट होता है और आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया सभी को, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण हमें किस किस के बारे में नॉलेज देते हैं, किस किस के बारे में बताते हैं, किस किस का ज्ञान कराते हैं, किस किस का बोध कराते हैं, या किसके बारे में बताते हैं। विशेषण हमें बताते हैं रंग के बारे में, स्वभाव के बारे में, आकार के बारे में, स्वाद के बारे में, मात्रा या परिमाण के बारे में और संख्या के बारे में, इन सब के बारे में या हमें विशेषण शब्द बताते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों अगर किसी बच्चों को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।